this channel is for education purpose and we do not recommend you to buy or sell any stocks before investing in our predictions please take advice from your financial advisor we are not responsible for any of your profit and losses so वेलकम बैक टू आर चैनल फीन वेस्ट तो चलिए हम 10 नवंबर 2020 के लिए जो हमने आपको स्टॉक्स दिए थे उनका एक बार रिव्यू कर लेते हैं मैंने आपको यूट्यूब चैनल पे आपको प्रोवाइड किया था एम जी एल और बाला माइन्स जिसमें हमारा काफ़ी अच्छा मतलब आपको टारगेट देखने को मिल गया था आपने ईजिली इसमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमा लिया होगा इन दोनों स्टॉक्स में बाकी बात कर लेते हैं टेलीग्राम चैनल में दोनों स्टॉक्स में हमारा नो ट्रेड रहा क्यों रहा मैं आपको रीजन दिखा देता हूँ तो देखिए पहला तो था हमारा जो था पीवीआर तो पीवीआर में देखिए हमारा जो था गैप काफ़ी ज़्यादा गैप अप ओपन हुआ था हमारा स्टॉक गैप अप ओपन होने के बाद इसने अपना गैप फिल नहीं किया ये ऊपर ही रहा तो इसलिए इसमें तो कोई चांस ही नहीं था ट्रेड का दूसरा था हमारा यू अब यू में क्या हुआ कि ये स्टॉक जो था हमारा बाइंग जो लाइन थी वो हाँ uh, मैं आपको एक बार ड्रॉ करके बता देता हूँ तो ये जो हमारी बाइंग लाइन थी वो थोड़ा सी बीच में थी काफ़ी जल्दी थोड़ा हो चुका था ऐसा लग रहा था अगर कल का अगर हम चार्ट पढ़ते ऐसा लग रहा था कि अगर ये स्टॉक गैप अप नहीं ओपन होता तो आपको आज अच्छा प्रॉफिट इसमें देखने को मिल जा सकता था बट इसमें थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ उसके बाद इससे हमने रिफिल नहीं कर पाया मेन होता रिफिल करना गैप अप ओपन होना इतनी बड़ी बात नहीं है अगर रिफिल हो जाता है स्टॉक तो गैप अप ओपन होने से आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता अब मान लीजिए स्टॉक अगर जैसे ये गैप अप ओपन हुआ है तो ये रिफिल कैसे करेगा देखिए सबसे पहले का ये कंडीशन थी टेन ई एम के अंदर अंदर रिफिल करना पड़ता है

नाइन फिफ्टी नाइन मान लीजिए मैंने कहा मान लीजिए सपोज़ कीजिए तो ये जो स्टॉक है वो ओपन हुआ नाइन नाइनटी पे नाइन एट्टी का हमारा बाइंग प्राइस था बट नाइन नाइन्टीटी पर ओपन हुआ तो ये क्या होगा ओपन होने के बाद डाउन आएगा डाउन आने के बाद बाइंग और शॉर्ट सेलिंग प्राइस के बीच में होल्ड लेगा फिर जब दोबारा ऊपर जाएगा इस लेवल को ब्रेक करेगा तब आप इसे बाय करेंगे वरना आप इसे बाय नहीं करेंगे आप छोड़ देंगे स्टॉक को गैप अप ओपन होने के बाद शॉर्ट सेलिंग के लिए कोई कंडीशन नहीं है वैसी गैप डाउन ओपन होने के बाद दोबारा यही कंडीशन होगी इस लेवल को पार करने के बाद होल्ड लेगा यहाँ पे फिर दोबारा जब नीचे आएगा तब आप इसे शॉर्ट सेल करेंगे वरना गैप डाउन ओपन होने के बाद बाई के लिए कोई कंडीशन नहीं है तो इस तरीके से हमारी जो ट्रेड थी वो नहीं हो पाई इन दो स्टॉक्स में बाकी आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए मॉर्निंग में टेलीग्राम चैनल पर कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ यूट्यूब पर दो और टेलीग्राम चैनल पर दो और आप हमारे साथ ज्वाइन भी हो सकते हैं डिस्क्रिप्शन में आपको वाट्सए नंबर मिल जाएगा आप इंटर करना चाहते हैं आपको सीखना चाहते हैं तो सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड करूँगा डिटेल मैं आपको व्हाट्सएप पर सेंड कर दूँगा आप हमें कॉन्टैक्ट कर लीजिए तो एलेवन नंबर टू थाउजेंड के लिए जो मैंने स्टॉक्स आपके लिए सेलेक्ट हैं वो है और फार्मा जिसे आप बाय करके चलेंगे जब लेवल ब्रेकआउट होगा सेवन सिक्सटी फाइव का स्टॉप लॉस रहेगा आपका सेवन फिफ्टी नाइन का टारगेट रहेगा सेवन सिक्सटी एट सेवन सेवनटी फाइव और सेवन एटी फोर का सोर्ट सेलिंग प्राइस आपकी रहेगी सेवन फिफ्टी एट की स्टॉप लॉस रहेगा सेवन सिक्सटी फोर का टारगेट रहेगा सेवन फिफ्टी फाइव सेवन फोर्टी एट और सेवन 7... फोर्टी का ध्यान रखेंगे जो बाइंग प्राइस है वो आपका लेवल ब्रेकआउट होगा सेवन सिक्सटी फाइव पॉइंट वन जीरो हो तब, तब आप इसे बाय करेंगे शॉर्ट सेल के साइड में सेवन फिफ्टी सेवन पॉइंट नाइन जीरो तब आप इसे शॉर्ट सेल करेंगे एक्जैक्ट इस लेवल पर बाई नहीं करना है एक्जैक्ट इस लेवल पर स्टॉप लॉस हिट करके ट्रेड से बाहर नहीं आना है यानी कि स्टॉप लॉस नहीं मानना है तो ये जब बाई का लेवल होगा तो सेवन फिफ्टी एट पॉइंट नाइन जीरो पे आपका हट होगा यानी कि इस लेवल से जब नीचे जाने लगेगी वैल्यू तब आप अपना एसल हिट मान के ट्रेड से बाहर आएंगे और शॉर्ट सेलिंग की साइड इस लेवल से ऊपर आने लगेगी वैल्यू तब अपना एस एल हिट मार के ट्रेड से बाहर आएंगे अगला स्टॉक हमारा ल्यूपिन जैसा आप बाय करके चलेंगे 867 पे स्टॉप लॉस रहेगा 860 टारगेट रहेगा एक सेवेंटी रहे वन और 888 का शॉर्ट सेलिंग प्राइस रहेगी 857 फिफ्टी सेवन रहेगा 865 टारगेट रहेगा एट सेवन रहे एट फिफ्टी और 837 का आप हमें डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं और अगर पहली बार में आपका टारगेट अचीव होता है दूसरी बार आप वो कॉल मत लीजिएगा बाकी इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अगर आप इस चैनल पर नहीं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर जरूर कीजिएगा